नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुंबई के बिक्रोली में बड़ा हादसा, कैलाश बिजनेस पार्क में स्लैब गिरने से एक बच्चे सहित दो की मौत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बिक्रोली पश्चिम के टाटा पावर हाउस के एक साइड के पास कैलाश बिजनेस पार्क में स्लैब गिरने की घटना सामने आई है। बीएमसी के मुताबिक इस हादसे में 10 वर्षीय बच्चे और 38 वर्षीय व्यक्ति सहित दो लोगों की मौत हुई है। मुंबई के बिक्रोली में यह घटना उस समय हुई जब बीती रात एक 10 साल का लड़का अपने सिक्योरिटी गार्ड पिता को खाना देने के लिए गया था और मूसलाधार बारिश होने के कारण बच्चा पिता के साथ था। इस दौरान निर्माणाधीन इमारत G+5 का एक हिस्सा दोनों बाप बेटे पर गिर गया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नागेश रेड्डी 38 वर्ष और रोहित रेड्डी 10 वर्ष के रूप में हुई है। भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विभाग मुंबई केंद्र ने सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई सहित रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद और लातूर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। विक्रोली के बिजनेस पार्क में स्लैब गिरने की घटना के बाद से मुंबई में फिलहाल शांति है। इस समय बारिश भी बंद है। शहर में बारिश की वजह से भी अभी भी जलभराव देखने को नहीं मिला है। बता दें कि 31 मई 2024 को विक्रोली के कनम्बार नगर में स्लैब गिरने से दो लोगों की मौत और भी हुई थी। यह घटना दूसरी मंजिल का स्लैब पहली मंजिल पर गिरने की वजह से हुई थी। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उसके खराब हालत को देखते हुए कई परिवार घर छोड़कर वहां से चले गए थे, जबकि कुछ लोग अपने फ्लैट खाली करने की योजना बना रहे थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।